हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दीक्षा ड्रीम्स वे एकेडमी की तरफ से आपको एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत थे वो मैंने आपको बताए। इस वीडियो में मैं आपके लिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है वो किस संविधान से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए है अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी है फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन सी है रूस के संविधान से और ऑप्शन डी है ब्रिटिश संविधान से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस के संविधान से। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिए गए हैं। इसका ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है आयरलैंड और ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। क्वेश्चन थर्ड है, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। इसका ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है ब्रिटिश संविधान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटिश संविधान। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। इसका ऑप्शन ए है इटली के संविधान से, ऑप्शन बी आता है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी आता है फ्रांस के संविधान से और ऑप्शन डी है ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस के संविधान से। क्वेश्चन फाइव है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। इसका ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन सिक्स है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। इसका ऑप्शन ए आता है कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है आयरलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। क्वेश्चन सेवन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। इसका ऑप्शन ए है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन एट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। इसका ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयरलैंड। क्वेश्चन नाइन्थ है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। क्वेश्चन टेन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। इसका ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान और ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है रूस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। क्वेश्चन 11 है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव संविधान पर, जो हमारा भारत का संविधान है उस पर सर्वाधिक पड़ा। तो इसका ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी ऑप्शन है रूस के संविधान का, सी ऑप्शन है ब्रिटेन के संविधान का और डी ऑप्शन है अमेरिका के संविधान का। तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन 13 है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो इसका ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। क्वेश्चन 14 है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली
किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका ऑप्शन ए है जापान से, ऑप्शन बी है इंग्लैंड से, ऑप्शन सी है अमेरिका से और ऑप्शन डी है फ्रांस से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड से। क्वेश्चन 15 है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। क्वेश्चन 16 है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किस देश से लिया था? इसका ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। क्वेश्चन 17 है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, बी ऑप्शन है मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 18 है, भारतीय संविधान में संघवाद को किस देश से लिया गया है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जहां पर भी संघ शब्द आएगा वो हमने लिया है कनाडा से। तो इसका ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है जर्मन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। क्वेश्चन 19 है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिए गई है? तो इसका ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है नीदरलैंड, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूएसए। क्वेश्चन 20 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। तो ये थी मेरी भारतीय संविधान के स्रोतों के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और ड्रीम्स वे अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।